मामला यह है कि मंडी परिसर में व्यापारियों कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और परिसर के गेट पे से ही लेके अंदर तक व्यापारियों के साथ जबरदस्त वसूली किया जा रहा है। अनियमित तरीके से पंजीयन के नाम पर वहाँ पे शोषण किया जा रहा है। 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। जो बड़े व्यापारियों को 250 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है उनको 50,000 रुपया प्लस 50,000 रुपये की सिक्योरिटी अलग से मांगी जा रही है उनसे, और अलग से प्राइवेट आदमियों को रख करके व्यापारियों से वसूली की जा रही है। जो भी माल आ जा रहा है उससे वसूली की जा रही है और नाम दिया जा रहा है कि व्यापारी मंडी परिसर में अतिक्रमण किए हुए हैं। व्यापारियों को बैठने की सुविधा नहीं है, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पथ प्रकाश की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था नहीं है, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। हमारी महिला व्यापारी आती है वहाँ पे कैसे अपना करती है बताने की जरूरत नहीं है, खुद आप लोग समझ सकते हैं पूरी व्यवस्था। और ऊपर से आरोप मंडी समिति के जो सचिव हैं उनको लगाया जाता है कि अगर व्यापारी प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, आप लोग कोई अपनी बात उठाओगे तो आपके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा, एफआईआर अलग से कराया जाएगा। इनसे आज ही जाके आज पूरे व्यापारी मंडी समिति के और व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी माननीय डीएम साहब से मिलकर के अपनी बात को कहेंगे। ठीक।